मटके में पानी ठंडा क्यों हो जाता है? मटका एक पारंपरिक मिट्टी का बर्तन है जिसका उपयोग भारत में सदियों से पानी को स्टोर करने और ठंडा करने के लिए किया जाता रहा है। मटके को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह पानी को अधिक समय तक ठंडा रखता है। भारत के कई हिस्सों में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, मटके का उपयोग करना एक आम बात है। क्या आपने कभी सोचा है कि मटके में पानी इतना ठंडा क्यों होता है और यह इतने लंबे समय तक ठंडा क्यों रहता है? जानिए कारण। आगे देखने से पहले यदि आप भी हमारे देश के इस झंडे से प्यार करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस घटना के पीछे वैज्ञानिक कारण सरल है। मटका बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मिट्टी झरझरा होती है। छोटे छेद पानी को मटके की दीवारों में रिसने देते हैं और इस तरह से वाष्पित यानी के इवेपोरेट हो जाते हैं। जब पानी वाष्पित हो जाता है तो यह गर्मी को दूर कर देता है और बचा हुआ पानी ठंडा हो जाता है। यह वही प्रक्रिया है जो तब होती है जब हमें पसीना आता है। जब हमारी त्वचा से पसीना वाष्पित हो जाता है तो यह हमें ठंडा कर देता है। मटके का ठंडा प्रभाव बर्तन के आकार से और भी बढ़ जाता है। मटके का शंक्वाकार आकार हवा को इसके चारों ओर से प्रसारित करने की अनुमति देता है जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। मटके को छायांकित क्षेत्र में भी रखा जाता है जो इसे सीधे धूप से गर्म होने से रोकता है। एक अन्य कारण जो मटके में पानी की ठंडक में योगदान देता है वह है इसे बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाली मिट्टी की गुणवत्ता। मटका बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मिट्टी आमतौर पर बिना चमकीली होती है जिसका अर्थ है कि इसमें सुरक्षात्मक कोटिंग नहीं होती है। यह पानी को मटके की दीवारों के माध्यम से अधिक आसानी से रिसने देता है जिससे यह ठंडा हो जाता है। मिट्टी की गुणवत्ता मटके की दीवारों की मोटाई भी निर्धारित करती है जो वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करती है। पर्यावरण के अनुकूल, प्राकृतिक कूलर होने के अलावा मटके पर्यावरण के अनुकूल भी हैं। वे प्राकृतिक सामग्री से बने होते हैं और बायोडिग्रेडेबल होते हैं जिसका अर्थ है कि वे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। वह पुनः प्रायोजित भी हैं जो एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की बोतलों की आवश्यकता को कम करता है। अंत में एक मटके में पानी इतना ठंडा होने का कारण मिट्टी की झरझरा प्रकृति, बर्तन के शंक्वाकार आकार और इसे बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मिट्टी की गुणवत्ता के कारण होता है। मटके का शीतलन प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग भारत में सदियों से किया जाता रहा है। यह न केवल पानी को ठंडा रखने का व्यावहारिक उपाय है बल्कि यह प्लास्टिक की बोतलों का पर्यावरण के अनुकूल विकल्प भी है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आपको हमारा यह आज का वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।